भारत देश विविधताओं से भरा देश है। गांधी जी के अनुसार भारत की आत्मा भारत के गांव में बसती है। यदि गांव का विकास होगा तो संपूर्ण देश प्रगति की ओर अग्रसर होगा। इसी सोच के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार भारत सरकार ने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए थे। प्रत्येक जिले में आवासीय विद्यालयों की अवधारणा का शुभारंभ इस नीति में किया गया। यहाँ का परिवेश अपने आप में अद्भुत है। जब 6th क्लास का मासूम बच्चा इस विद्यालय में पहुंचता है तो उसकी 7 साल की तपस्या का शुभारंभ होता है। गांव के अधिकांश बच्चे 5वीं कक्षा में नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए परीक्षा देते हैं, परंतु उन बच्चों में से केवल 80 बच्चे ही इस परिसर तक पहुंच पाते हैं। यहाँ की दिनचर्या मॉर्निंग पीटी के साथ शुरू होती है। सुबह 6 बजे सभी बच्चे फिजिकल एक्सरसाइज के लिए ग्राउंड में अपने अपने हाउसवाइज उपस्थित होते हैं। उनके सभी अध्यापक वहां बच्चों की देखभाल के लिए उपस्थित रहते हैं। को मैस में ब्रेकफास्ट के लिए पहुंचना होता है। सुबह सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट सभी बच्चों के लिए दिया जाता है। बच्चों को अपनी अपनी थाली, चम्मच एवं ग्लास स्वयं ही लाना होता है। बहुत ही अनुशासनात्मक ढंग से ये लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। इतनी भीड़ में खाना खाने के बाद खाने का स्वाद तो ये बच्चे ही बता सकते हैं। खाने की गुणवत्ता से कोई भी समझौता नहीं किया जाता है। स्वच्छता का भी पूर्ण ध्यान रखा जाता है। इसके तुरंत बाद सब लोग प्रार्थना हॉल में मां सरस्वती की वंदना के लिए उपस्थित होते हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है। इसमें आपसी भाईचारे का पाठ भी पढ़ाया जाता है। प्रार्थना के दौरान मंच संचालन की संपूर्ण प्रक्रिया विद्यार्थियों के लिए भली भांति सिखाई जाती है। प्रार्थना के बाद अब शुरू होती है पढ़ाई। सभी अपने अपने क्लासरूम में बहुत ही शांति के साथ अध्ययन करते हैं। आधुनिक तकनीकी का नया रूप भी इस विद्यालय में पहुंच चुका है, जैसे डिजिटल बोर्ड, टैबलेट्स, प्रोजेक्टर, लैपटॉप इत्यादि। इस दौरान
My name is Sundarlal. I'm working as a PGT English. Good morning. Actually, the topic that we are going to take, already we have done in the class, that is a revision only. And the topic is application for. What should we write? Who will tell? Gagan, what should we write? भारद्वाज हूँ, पीजीटी इकोनॉमिक्स में कंटिन्यू करते हैं। तो हमने किसकी बात करी? प्रतिस्थापित वस्तुओं की। नरेश कुमार मीणा, पीजीटी हिस्ट्री, जवाहर नवोदय विद्यालय बुढ़वा बांसवाड़ा। विश्व युद्ध चल रहा था। मैं कृष्णा मीणा, पीजीटी हिंदी। या कारक काल वच। एम काजल मीणा, पीजीटी मैथ। काल ना है रेशियो, ठीक है, बीच में आए ये 15 किलोमीटर। हूँ और बच्चों को कंप्यूटर सिखाती हूँ। मेरा नाम वाजय रवि है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पिछले 1.5 महीने से कॉन्ट्रैक्ट लाइब्रेरियन हूँ। मायसेल्फ एसएन माली, पीजीटी केमिस्ट्री। सोडियम आयोडाइड है और दूसरा सोडियम लेड एसीटेट है। तो इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो इसमें एक देखो आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट दिखेगा। देखो ये जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना है उसमें देखो रिएक्शन में दिखाया हुआ है, जैसे लेड एसीटेट और पोटेशियम आयोडाइड को अगर हम मिलाएंगे तो लेड आयोडाइड का ये प्रेसिपिटेट बनता है येलो कलर का। नरेंद्र कुमार मीना, पीजीटी बायोलॉजी के पद पर जवाहर नवोदय विद्यालय बांसवाड़ा में। एनिमेलिया, वेरी गुड। दिस इज द प्लांट कैक्टस, ओके। व्हाट इज द एडेप्टेशन ऑफ दिस प्लांट? स्टार फिश। तो स्टार फिश को आप जानते हैं व्हाट ये एक्चुअल में, दिस इज नॉट द फिश एक्चुअल, इट इज कम अंडर अ काइंड ऑफ द रिंग्स ऑन द एनिमल बॉडी, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एनेलिडा। मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं स्टाफ नर्स हूँ और 90 SA नवोदय विद्यालय समिति बच्चे फीवर से हैं और इसको मेरे से ये बुखार है ना, जीप के नीचे रख देना। हाँ, जीप ऊपर कर। हाँ, मुँह मत कर। नाश्ता कर लिया? बेटी तो नहीं हुई ना। नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार शर्मा, कला अध्यापक JNV बुढ़वा। हमने कला शिक्षा के अंतर्गत बच्चों द्वारा ये पेपर क्राफ्ट। आर्टवर्क, संगीत की कक्षाएं। नाम हरिओम पाठक है, मैंने म्यूजिक में MA किया हुआ है और यहाँ पिछले 2 महीनों से यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय बुढ़वा में कार्यरत। मैं रामचंद्र मेघवाल, क्लिपिंग पद पर कार्यरत हूँ और समस्त लेखा संबंधी कार्य। मैं प्रियंका यादव, इस विद्यालय में JSA के पद पर मई 20 से काम कर रही हूँ। मैं रोहित मीणा, इस विद्यालय में JSA के पद पर कार्यरत। मेरा नाम कल्पेश पटेल, जवाहर नवोदय विद्यालय में बुढ़वा में सफाई का काम करते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग एक्टिविटीज में भागीदारी का अवसर प्रदान किया जाता है, जैसे ओपन मैथ लैब की एक्टिविटीज, क्लासरूम प्रोग्राम के बाद उनकी छुट्टी होती है तथा सबको लंच के लिए भेजा जाता है। मैस में बैठक व्यवस्था। मायसेल्फ मोहम्मद वसीम अंसारी, आई एम पोस्टेड हियर एज केटरिंग असिस्टेंट। माय मेन रोल ऑफ ड्यूटी इज टू लुक आफ्टर दैट द स्टूडेंट्स आर बीइंग प्रोवाइडेड विद न्यूट्रिटिव एंड क्वालिटी फूड अंडर द बजटरी प्रोविजंस बाय समिति। मैं जीवतराम रोत, JNV बुढ़वा, मैस कुक का कार्य करता हूं। Thank you.
मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नवोदय विद्यालय में बच्चे का चहुमुखी विकास होता है। शाम के समय सभी बच्चे अपनी अपनी रुचि के अनुसार स्पोर्ट्स खेलने के लिए प्लेग्राउंड में उपस्थित होते हैं। यहाँ बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, निशानेबाजी, बैडमिंटन जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के खेल खिलाए जाते हैं। शाम के समय कार्य कर रहा बच्चों के मोटिवेशन के लिए पूर्व विद्यार्थियों को भी उनका अनुभव साझा करने के लिए समय समय पर बुलाया जाता है। बच्चों की समस्याएं जानने के लिए पेरेंट्स मीटिंग्स का भी आयोजन करवाया जाता है। तो सभी आम जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि नवोदय विद्यालय एक आम विद्यालय नहीं है, बहुत ही बेहतरीन विद्यालय, एक मॉडल विद्यालय है। क्लास सिक्स से ट्वेल्थ के लिए बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दिया जाता है। यहाँ खाना पीना, किताब, ड्रेस मटेरियल सब कुछ फ्री में है। यहाँ कोई ट्यूशन नहीं है। ये जो हमारा अचीवमेंट बता रहा हूँ, जो बच्चे पास आउट पे जा रहे हैं, यहाँ कोई ट्यूशन नहीं है। यहाँ रेमेडियल पढ़ाई होता है और टीचर पढ़ाई समय क्लासरूम के बाद भी इवनिंग स्टडी में रेमेडियल समय में पढ़ाई करते हैं और बच्चे को कॉम्पिटिटिव रिपेयर करते हैं। यहाँ इसीलिए अभी मैं बताना चाहता हूँ कि इस साल हमारा बच्चे जो एग्जाम दिए थे 2022 में, जितना बच्चा एग्जाम दिए थे नीट में, हमारा नवोदय का जितना बच्चा एकदम नीट में अपीयर हुए थे, 78% नवोदय के बच्चे सक्सेस हुए हैं, पास हुए हैं। फिर जेई मेन में जितना नवोदय बच्चे हैं 56%, एडवांस में 33%। मतलब जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं तो सक्सेस हो रहे हैं। और इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ पढ़ाई के अलावा यहाँ को करिकुलर एक्टिविटीज है, एनसीसी है, एनएसएस है, रीजनल इंटीग्रेशन है, और इसका एक खास पहलू है यहाँ माइग्रेशन पॉलिसी। यहाँ हर विद्यालय में क्लास नाइन्थ में एक साल के लिए हिंदी स्पीकिंग बेल्ट के बच्चे नॉन हिंदी स्पीकिंग बेल्ट को माइग्रेट कर रहे हैं। हेडक्वार्टर में कमिश्नर के पद पर श्रीमान माननीय विनायक गर्ग जी इस पद पर शुभायमान है, और संभागीय कार्यालय जयपुर में डिप्टी कमिश्नर के पद पर
माननीय श्री एन के पटेल जी और असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर श्रीमान अजय जी, श्रीमान वी के त्यागी साहब और माननीय श्रीमती सुनीता शर्मा जी शुभायमान हैं। मैं ये जानकर बड़ी खुशी व्यक्त करता हूँ कि इनके निर्देशन में यह विद्यालय बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है।